वीजा इस्तेमाल हो रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड वाकई नहीं है 2024 में, या आप राजनीति कर रहे हैं? नहीं गरिमा जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात है, अब ये कह रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता कि क्या 24 घंटे में इलेक्शन कमीशन इसका उत्तर दे दे, लेकिन मैं इनको याद दिलाऊं कि करीबन 5 महीने पहले सभी विपक्षी पार्टियों ने एक पत्र लिखा था इलेक्शन कमीशन को कि वीवीपैट का जो है वो 100% काउंटिंग होना चाहिए। क्या इलेक्शन कमीशन ने उसका तवज्जो लिया? क्या इलेक्शन कमीशन ने विपक्षी पार्टियों को एक बार भी बुलाया 5 महीने में कि आइए हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं, कुछ विश्लेषण करते हैं? कुछ नहीं। और जिस तरह से आपने नवंबर 2022 का भी उल्लेख किया, वो तमाम सारी चीजों का उल्लेख किया, इससे दिखता है कि कहीं ना कहीं अंपायर या जो रेफरी है, जब उसको अपॉइंट करने की प्रक्रिया में ही सेंधमारी हो जाए, जब उसको पार्लियामेंट्री अपनी ताकत को यानी सत्ता बल के आधार पर सरकार उसी को बदल दे और अपने हिसाब का काम करने लगे, तो निश्चित रूप से एक तरीके का मैच फिक्सिंग ही हो जाता है। और फिर एक के बाद एक चीजें हो ही रही है ना, जिस तरह से राहुल गांधी जी का हेलीकॉप्टर की तलाशी हुई, भाई तलाशी तो सभी की हो सकती है, सब एक जैसे है ना इलेक्शन कमीशन के सामने, तो वो चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या दूसरे कोई सत्ताधारी पार्टी के मंत्री हो, तो किसी की तहकीकात नहीं होती है, मात्र जो विपक्ष के नेता है उन्हीं के हेलीकॉप्टर की तहकीकात होती है। तो ऐसी चीजें हम देखते आए हैं पिछले 10 वर्षों से। मतलब मैं ये मानू ना चरण सिंह सप्रा कि बीजेपी सरकारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल कर रही है, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल, सत्ता बल, धन बल और बाहुबल का पुरजोर उपयोग हो रहा है। वो हेमंता बिस्वा से शुरू करूंगा, सुवेंदु अधिकारी से, नारायण राणे से लेकर के अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल से लेकर के छगन भुजबल, हसन मुशरिफ, जनार्दन रेड्डी से लेकर के, और वो जो अभी एक टीडीपी के उम्मीदवार बने हैं, क्या नाम है, मुंगटा कुछ उनका नाम है, श्रीनिवासन मंगूटा। यानी जो व्यक्ति भ्रष्टाचारी है उस व्यक्ति को ये वॉशिंग मशीन में धो देते, लेकिन चरण सिंह सप्रा उसको साफ कर देते। आप तो सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, एक सेकंड, आपने तो सिर्फ आरोप लगा दिया कि बीजेपी सरकारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल कर रही है। इंदिरा गांधी का तो निर्वाचन इसी आधार पर रद्द हुआ कि उन्होंने सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया। तो सत्ता जिसकी वो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मसला है क्या? जब आपके पास ताकत थी आपने तमाम बेजा इस्तेमाल किया। देखिए, मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि अगर उस समय कुछ गलत हुआ होगा तो जनता ने उस तरह के निर्णय दिए, अब भी जनता निर्णय देगी। हाँ। ये सवाल यही बनता है कि 2024 के अंदर, और मात्र 24 ही नहीं, मैं 10 साल का गणित बता रहा हूं कि 10 सालों के अंदर जिस तरह से देखा है कि विपक्ष को ही टारगेट किया जाता है, सत्ताधारी पार्टी के एक भी व्यक्ति के ऊपर ईडी, आईटी, सीबीआई की रेड नहीं होती है। हाँ, वो नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा, उसके सामने 10,000 करोड़ का घपले का वो व्यक्ति कैनेडा से बैठ करके बता रहा है, जगमनदीप सिंह, वो अपना ईमेल आईडी दे रहा है, फोन नंबर दे रहा है, एड्रेस दे रहा है, लेकिन देश की एजेंसी के पास समय नहीं है उससे बात करने के लिए। पीयूष जैन नामक व्यक्ति कानपुर का, जिसके घर से 285 करोड़ रुपए पकड़े गए थे, वो आसानी से निकल जाता है क्योंकि बीजेपी का वो जुड़ा हुआ नेता है। नहीं, आप 10 साल में परेशान हो गए, 55 साल इस देश में कांग्रेस ने राज किया, और 2009 में सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, इलेक्शन कमिश्नर नवीन चावला को लेकर राष्ट्रपति को खत लिख दिया कि इलेक्शन कमिश्नर नवीन चावला निष्पक्ष नहीं है, हटाया जाना चाहिए, राष्ट्रपति को खत लिख दिया, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है निष्पक्ष नहीं है चुनाव आयुक्त, तो वहां भी पिक एंड चूज चल रहा था ना चरण सिंह? निश्चित रूप से, नहीं, निश्चित रूप से उसकी जो सरकारी प्रक्रिया होती है, जो तहकीकात होती है, वो उस समय भी हुई थी। तहकीकात सरकारों का जो प्रोसेस है, वो सरकारों का प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन ये तो खुलेआम दादागिरी होती है कि आज विपक्ष के नेता को आप कह रहे हो कि ये भ्रष्टाचारी है, और आप 2 दिन पहले तक कहते हो कि चक्की पीसिंग और 70,000 करोड़ का घोटाले की बात करते हो, नेचुरल करप्ट पार्टी बोलते हो, और उसी पार्टी के नेता को अपनी गोद में बिठा लेते हो। वो पाक साफ हो गया,
उसके केसेस जो है वो सलट जाते हैं, उसके केसेस ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। तो ये जो तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं पिछले 10 वर्षों में, ये जनता भी देख रही है। और जनता जो ये 2024 का चुनाव है ना, ये मोदी वर्सेस मुद्दा होगा। एक तरफ मोदी जी का चेहरा और दूसरी तरफ मुद्दे होंगे। ये मुद्दे क्या है, ये कंफर्म्ड कह रहे हैं क्या, ये बात आप दावे से कह रहे हैं 2024 का चुनाव मुद्दों पर होगा, जो मुद्दे आप गिना रहे हैं? बिल्कुल, 2024 का चुनाव मुद्दों पर होगा। महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, आर्थिक विषमता मुद्दा है, किसानों की एमएसपी, किसानों की कर्ज माफी, आर्थिक विषमता, ये तमाम सारे ये मुद्दे हैं। मणिपुर का मुद्दा भी वो मुद्दा है, लखीमपुर खीरी के किसानों को किस